मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं बचाओ, नहीं छोड़ूंगा यार, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं वो सारा हाथ आ जा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं यार मैं साहब, वो क्या कर रहे हैं यार? बच्चा है, इसको छोड़ दी मसूद। अरे ये बच्चा है, अरे इसे इतना बड़ा झूठ बोला है, भला जीते जी को अपने बाप को मारता है? यार खूबसूरत समझाओ ना इन्हें, मारना किसी मसले का हल नहीं होता। अच्छा तो क्या है इसका हल? ओ यार तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया है सोना, अब देखना स्कूल से नाम कट जाएगा तुम्हारा। सिर्फ मेरा नहीं, चांदी का नाम भी कटेगा नबील। हेलो, चांदी का क्यों कटेगा भाई? आखिर इसने भी तो झूठ पे पर्दा डाला है। देख लिया ना नबील, मैंने कहा था ना चांदी को सोने की सोबत से दूर रखो। मैं बता रही हूँ मेरी बच्ची का नाम नहीं कटना चाहिए स्कूल से। अच्छा जानू, इसका बस एक ही हल है। क्या? महमूद साहब को मरना होगा। नबील तू मेरे मियाँ को कत्ल करना चाहता है? ओ माँ जी, हम सोने की टीचर के सामने ये जाहिर करेंगे कि सोने ने बिल्कुल सच कहा था। और होगा क्या, वो आएगी, अफसोस करेगी और चली जाएगी। इस तरह हमारे बच्चों का स्कूल से नाम नहीं कटेगा, कैसा आइडिया? क्या प्लान है तेरे भाई का? बोल। हाँ बहुत ही बुरा प्लान है, सोने को उसके झूठ की सजा देने के बजाय आप लोग उसे बचा रहे हैं, क्या सीखेंगे बच्चे? ओ जानू, मैं तो तुम्हारे पापा जी के पैसे बचा रहा हूँ ना, स्कूल से नाम कट गया तो नए स्कूल में दाखिल कराना पड़ेगा ना बच्चों को, उनके लाखों रुपए लग जाएंगे यार। ये आवाज कैसी है? ये मेरे दिल की आवाज है। हसीन लड़की कौन हो तुम? तुम। मैं टीचर हूँ। मुझे भी अपनी क्लास में ले ले प्लीज। जी सच, आप मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हो गई? मैं आपको कैसे पढ़ा सकती हूँ? आप शाम को समंदर के किनारे कैंडल लाइट में डिनर करते करते पढ़ा सकती हैं? मेरा मतलब है मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। जब हो जाएंगे तो पढ़ा लीजिएगा। वैसे आपको बच्चे कितने पसंद है? 43। जी 43 बच्चे हैं मेरी क्लास में से, जिसमें से एक बच्चा सोना भी है। ओ ओ ओ, अच्छा 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 अच्छा, आप सोने की टीचर हैं, तो बस इसको आप अपना ससुराल ही समझे। जी अब मेरा मतलब है, सॉरी, अपना घर समझे। आइए 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 आइए, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, आप इसको अपने घर समझे। आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आइए 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 आइए। माँ जी ये है सोने की भाभी, मेरा मतलब है सोने की टीचर। आंटी जी संभाले अपने आप को। बड़े अच्छे आदमी थे शफीक, बड़े अच्छे आदमी थे शफीक। लेकिन सोने के फादर का नाम तो महमूद था ना? वो तो कफील के अब्बा का नाम था। लेकिन आपका बेटा तो सोना है ना? नहीं बहन, मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। इनका क्या करें? महमूद साहब आप जल्दी से बाथरूम में छुप जाएं। अरे भाई मुझे एक दफा देख तो लेने दो, तुम्हारी टीचर है कैसी? महमूद साहब वही है जिनसे आप स्कूल में मिले थे। नबील अब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप वापस हॉस्टल कब जा रही हैं? वो आज शाम 5 बजे मेरी फ्लाइट है, क्या मैं तब तक रुक सकती हूँ? आपका अपना घर है, आप बच्चों की टीचर है, आप बिल्कुल रह सकती हैं। ठहरे मैं चलें, मैं आपको आपका कमरा दिखा रही हूं। मैं दिखाती हूँ आपको आपका कमरा, आइए आइए मेरे साथ। चलो तुम दिखा लो जानू। माँ जी आप हौसला करें, आप हौसला ही करें। हेलो टीचर। हेलो, क्या हाल है बच्चों? हम ठीक हैं टीचर। आप बाथरूम में फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्या बात है सोना, क्या है अंदर? मम्मा आप खुद देख लें आके। मैं देखती हूँ। हाँ गॉड, वो बाथरूम में ना बहुत मोटी छिपकली है, आई थिंक आपको ये बाथरूम नहीं यूज करना चाहिए। आइए मैं आपको दूसरा बाथरूम। हाँ ठीक है, चलो आज। शुक्र है, ओफ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।
जो कहना चाहती हो कह दो आज। वो ना मैं बहुत हाँ भाई मैं भी बहुत चाहता हूँ तुम्हें। क्या तुम्हारा जो भी सवाल है मेरा जवाब हाँ में ही है। वो मैंने ना महमूद साहब को लॉन में देखा, वो ना मेरे पीछे खड़े थे। क्या इस घटिया आदमी को मर के भी सुकून नहीं आ रहा? मैं ना बहुत डर गई उन्हें देख के नबील। अरे उन्हें देख के तो अच्छे अच्छों की चीखें निकल जाती है। मुझे लगता है आपको वहम हो गया, वो तो मर चुके हैं। हाँ मुझे लगता है आप ठीक ही कह रहे हो, लगता है कि मेरा वहम ही है। आप ना महमूद साहब को अपने दिमाग से निकाल दे, मेरे बारे में सोचे आप। क्या मेरा मतलब है जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में सोचे। लेकिन आप तो कुछ नहीं कह रहे। अरे आप इतना इसरार कर रही है तो मैं कह ही देता हूँ। नबील आया जानू, मैं फिर किसी वक्त आपको बता दूंगा। आप डरे नहीं, रिलैक्स हो जाए, मैं संभाल लूंगा सारा कुछ। ओके सब क्या हो गया है यार आपको? अपने गैर इखलाकी जज्बात पे काबू करें आप यार। जब तक वो टीचर नहीं जाती कमरे में रहे यार, कमरे से बाहर क्यों आ गए आप? यार नबील अंदर बैठे बैठे ना मेरा दिल घबरा रहा था, काऊ माऊ कर रहा था। अच्छा आपका दिल घबरा रहा था, ये टीचर चली जाए, ये जो अपना फैमिली डॉक्टर है ना डॉक्टर बावला, उसको बुलाकर आपकी ओपन हार्ट सर्जरी करवाता हूँ मैं। अब इतना भी नहीं घबरा रहा मेरा दिल नबील, मैं तो बस उसे देखने आया था जरा। महमूद साहब अगर आपके बेटे का झूठ पकड़ा गया ना तो एक बात याद रखिएगा, चांदी का नाना ना तो किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा देगा उसका, लेकिन आपका बेटा सोना किसी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। नहीं 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 भाई नबील, ये सरकारी स्कूल की जो टीचरें होती है ना, अरे बहुत ही पुख्ता उम्र की होती हैं भाई। महमूद साहब खुदा का नाम माने आपकी उम्र के साथ तो शक्ल भी पुख्ता हो गई है, बड़ा आप लोहे का आलू लगते हैं। यार नबील मुझे लगता है मुझे ना मोहब्बत हो गई है। इस उम्र में आपको पथरी हो सकती है गुर्दे में महमूद साहब, आपको शुगर हो सकती है, आपको मिर्गी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं हो सकती महमूद साहब आपको। देखो नबील जरा गौर से, तुम्हें मेरी आंखों में उसके लिए मोहब्बत नजर नहीं आ रही। महमूद साहब मुझे आपकी आंखों में सफेद सफेद मोतियां नजर आ रहा है, आपकी आंखों का ना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अरे इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ मैं अभी, खूबसूरत हूँ, जवान हूँ। अरे तुम्हारी माँ जो है ना मुझे हमायों सईद और फहद मुस्तफा कहकर बुलाती है। खुदा का नाम माने महमूद साहब, फहद मुस्तफा और हमायों सईद का मुंह मिलाकर आपका मुंह बनता है। नील अगर एक भी लफ्ज और तुमने मेरे मुंह के बारे में बोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा। महमूद साहब किस ठरकी बूढ़े जिनकी रूह आ गई है आप में यार, खुदा का नाम माने यार कंट्रोल करें, कंट्रोल करें यार, अपना तो मेरे कुछ ख्याल करें यार। जाए कमरे में। अच्छा ना जाता हूँ, पहले तुम जाओ। जा रहा हूँ। यहाँ कुछ ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है दूसरी खिड़की से देखता हूँ, आखिर ये कर क्या रही है।